हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को बेंड करें हमारे मॉडल में। सो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे किस 360 तक आप उसे बेंड कर सकते हो। तो इस प्लगइन का नाम है ट्रू बेंड। आप इसको एक्सटेंशन वेयरहाउस से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया कैसे डाउनलोड करते, तो मैं आई बटन में उसको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक वीडियो का। सो आप उसे देख सकते हो। सो बेसिकली ये कैसे वर्क करता है, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज़ ये है, इसे हमने सिलेक्ट करना है, फिर ये प्लगइन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन दिख रहा है। सो इससे आप पुश करोगे ना, आपको इधर एंगल दिखेगा लिखा हुआ, एंड आप कोने में भी देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ रहा है। सो आप रैंडमली भी जितना चाहो आप ऐसा कर सकते हो, फिर आपको एंटर करना है। तो ये हो गया। नहीं तो आपने लिया, ऐसे सेलेक्ट किया, आपने क्लिक किया एक, और यहाँ पे आप रैंडमली 90 एंटर और फिर से एंटर। तो आप देख सकते हो कि कैसा ये 90 पे मेरा हो चुका है। अभी सेम इसी तरीके से हम इसे भी करके देखेंगे। मैंने इसे सेलेक्ट किया, प्लगइन पे गया, और ये प्लगइन का मेन खासियत ये है कि आप इसको 360 तक पूरा रोटेट कर, बेंड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो पूरा 360 है। तो मैंने ये 360 किया और ये एंटर। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये बैंड हो गया है। और बेसिकली ये ज़्यादा यूज़फुल है जैसे आपका स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयरकेस है, आपको सर्कुलर या स्पाइरल स्टेयरकेस बनाना है, तो आप इसे यूज़ करके, मैंने स्ट्रेट बस कॉपी किया है इसे ट्रेड्स को सारे, देन आप इसे पूरा ऐसे जो भी एंगल में आपको एंटर करना। आप जैसे कि देख सकते हो, तो काफ़ी यूज़फुल प्लगइन है ये। एंड एक चीज़ और, जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप ये देख रहे हो सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये आपके सेगमेंट्स दिखा रहा है कितना है। तो सपोज़ मैंने इसे इतना इतना बेंड किया एंड मुझे राइट क्लिक करना है, तो आप देख सकते हो। तो ये जो भी आपके सॉफ्ट एजेस है ना, तो ये हट जाएंगे। अभी मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो ये सॉफ्ट एजेस। आपको अगर इसे हटाना है तो मैं वापस बताता हूँ। सो यहाँ पे जाके आपको बेंड करना है, देन राइट क्लिक करना है, तो आप सॉफ्ट एजेस पे कर सकते हो और एंटर कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड देन अगर और एक और इसका यह है कि आप में सपोज़ जो भी मेरा लेंथ है, ये अभी ये मेरा लेंथ है 1384, तो ये बैंड भी करता है तो भी उतना ही रहता है लेंथ इसका। अब मैंने वापस बैंड किया, और मुझे ये सेगमेंट्स अगर इंक्रीज़ करना, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो। सो मुझे बेसिकली करना क्या है, सिर्फ मुझे सपोज़ 50 डालूंगा मैं, एंड एस डालना आगे सिर्फ, और एंटर करना है। तो ये देख सकते हो जैसे कि ये पूरे सेगमेंट्स मेरे बढ़ चुके हैं। तो आपको जितना भी करना है, 100 करना है, एस करना है, बढ़ गया है, उसके बाद एंटर। तो आप अपने हिसाब से सेगमेंट्स कर सकते हो। देखो, देन यहाँ पे भी आते हैं, अभी इसे बेंड करते हैं। अभी अभी जैसा कि आपने देखा, हमने इसे बेंड किया और एंटर किया, ओके। बट अगर हमें इसे रोटेट किया, कॉपी कर लिया मैंने सपोज एक, और सपोज रोटेट किया मैंने, अब मैं इसे बेंड करूँगा तो कुछ वो अजीब सी ज्योमेट्री बन जाती है। मैं एंटर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि देख सकते हो, कुछ अजीब सी ज्योमेट्री बन जा रही है, इसे हम वैसे बेंड नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर मैं इसे सिलेक्ट करके एंड एक्सप्लोर करता हूँ, ये मेरा अभी वापस इसे मैं एक्सप्लोड कर देता हूँ,
पूरा, एंड देन इसे वापस फिर से ग्रुप करता हूँ। अब मैं इसे जब मैं बेंड करूँगा, आप देख सकते हो प्रॉपरली ये बेंड हो रहा है। अब मैं एंटर करता हूँ, तो आपको कभी भी ये डिफ़िकल्टी होगा तो आप उसे पूरा एक्सप्लोर करके फिर बेंड कर सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल प्लगइन है, एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड यूज़फुल लगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।